हेलो दोस्तों, आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही झटपट बनने वाले सुहाना रवा डोसा की रेसिपी। ये बहुत ही ज्यादा टेस्टी और क्रिस्पी बनकर तैयार होता है। इसे बनाने में बहुत ही कम टाइम लगता है। ये 12 से 15 मिनट में बनकर तैयार हो जाता है और इसमें बहुत ही ज्यादा सामान की जरूरत नहीं पड़ती है। वीडियो को पूरा जरूर देखें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए फिर बनाते हैं सुहाना रवा डोसा। सबसे पहले मैंने यहाँ पर सुहाना रवा डोसे का एक पैकेट लिया हुआ है, जो 200 ग्राम का पैकेट है, आप देख सकते हैं। ये 4 स्टेप में बनकर तैयार हो जाता है। आप अगर हमारे बताए हुए तरीके से बनाएंगे तो आपका भी जो सुहाना रवा डोसा है वो बहुत ही टेस्टी और क्रिस्पी बनेगा। यहाँ पर मैंने इस पैकेट को इस तरह कट कर लिया है। इसके अंदर जो रवा डोसे का मिक्सर है, मैं इसे एक बोल में इस तरह ट्रांसफर कर लेती हूँ। मैं इसमें डाल रही हूँ 100 ग्राम ये फ्रेश दही है फिटा हुआ। अब इसमें डालेंगे पानी। पानी यहाँ पर हमें 800 मिलीलीटर डालना है, पर मैं एक साथ पूरा पानी नहीं डाल रही हूँ। यहाँ पर मैं 400 मिलीलीटर पानी डालती हूँ और डालकर हमें इसे अच्छे से इस तरह मिला लेती हूँ रवा डोसा के मिक्सर को। एक साथ आप बिल्कुल पानी ना डालें, थोड़ा थोड़ा पानी करके हम इसमें इस तरह से मिलाते जाएंगे। रवे डोसे का जो मिक्सर है यहाँ पर बनकर तैयार है। 10 मिनट के लिए हम इसे सेट होने के लिए इसी तरह रख देते हैं। यहाँ पर 10 मिनट हो चुके हैं, मैं इसे दोबारा इस तरह से चलाऊंगी। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो डोसे का जो मिक्सर है वो काफ़ी गाढ़ा हो चुका है। अब इसमें मैं 200 मिलीलीटर पानी डालकर अब इसे बनाना स्टार्ट कर देती हूँ। जैसे जैसे आप इसे बनाएंगे एक बार इसी तरह चलाते जाएं और पानी थोड़ा थोड़ा करके मिलाते जाएं। अब इसमें हम डालेंगे एक प्याज, मैंने इस तरह से इसे चॉप कर लिया है, इसको भी इसमें डाल देते हैं। 2 चम्मच यहाँ पर मैंने कटा हुआ फ्रेश हरा धनिया लिया है, इसको भी इसमें डालेंगे और डालकर हम इसे अच्छे से इस तरह से मिला देते हैं। इससे जो डोसा का जो टेस्ट है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है। यहाँ पर डोसे का मिक्सर बनकर तैयार हो चुका है, चलिए हम बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने डोसे का तवा लिया हुआ है जिसे मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है। पहले हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा तेल। तेल को चारों तरफ नैपकिन से इस तरह से फैला देते हैं। इस तरह से हमें अच्छी तरह से तेल को अच्छे से फैला देना है। इसके बाद तवे को हम हाई फ्लेम पर गर्म कर लेंगे। तवा गर्म होने के बाद इस तरह से हम पानी की छींटे मार के इसे चेक करेंगे। अगर इस तरह से पानी फिसलने लगे तो यहाँ पर तवा काफ़ी अच्छे से गर्म हो चुका है। इस तरह से थोड़ा सा ठंडा करके इस पानी को साफ़ कर देते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ पर डोसे के बैटर को इस तरह किनारे साइड डालना है। इसके किनारे सबसे पहले भरेंगे, इसके बाद बीच में इस तरह से हम इसको फैला देते हैं अच्छे से। बैटर डालते टाइम आपको गैस के फ्लेम को मीडियम रखना है। इस तरह से हम बैटर को डाल देते हैं। अब डोसे को पकने में 3 से 4 मिनट यहाँ लगेंगे। बैटर डालने के बाद गैस को हाई फ्लेम पे कर देना है क्योंकि रवा डोसा हाई फ्लेम पर बनता है। यहाँ पर 1 मिनट हो चुके हैं, इसमें मैं डालूंगी थोड़ा सा तेल। तेल डालकर हम इसे अच्छे से फैला देते हैं। डोसे का कलर गोल्डन ब्राउन होने तक हम इसे सेक लेते हैं यहाँ पर, जब तक यहाँ पर डोसा गोल्डन ब्राउन होता है। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। इसे सेकने में सिर्फ यहाँ पर 2 मिनट और लगेंगे। यहाँ पर 2 मिनट हो चुके, आप देखेंगे जो डोसा है काफ़ी क्रिस्पी हो चुका। इस तरह से मैं इसे तिकोना फोल्ड कर देती हूँ। आप चाहे तो आप इसे लंबा भी फोल्ड कर सकते हैं, आपको जैसा पसंद है आप उस तरह से इसे फोल्ड कर लें। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो डोसा है काफ़ी क्रिस्पी और टेस्टी बनकर तैयार हो चुका। इसी तरह मैं आपको दूसरा डोसा बनाकर दिखाती हूँ। डोसा बनाने से पहले आपको हर बार इस तरह से तवे को ठंडा करना है, पानी की छींटे मार के अच्छे से, और फिर पानी को इस तरह से साफ़ कर देना है। डोसे को बनाने से पहले हर बार आपको बैटर को चला लेना है। जैसा बैटर आपको गाढ़ा लगे उस तरह से आप पानी उसमें थोड़ा मिलाते जाएं। इस तरह से हम डोसे को बना लेते हैं। सबसे पहले आपको किनारे भरने हैं, उसके बाद डोसे को हम हाई फ्लेम पर पकाएंगे। हाई फ्लेम पर पकने से डोसा काफ़ी टेस्टी और क्रिस्पी बनता है और इसमें कलर भी काफ़ी अच्छा आता है। इस तरह से डोसा थोड़ा सूखने पर हम इस तरह से इसमें तेल अच्छे से फैलाएंगे। आप देखेंगे 2 मिनट बाद ये काफ़ी क्रिस्पी डोसा यहाँ बनकर तैयार हो चुका है। अब इस तरह से हम इसे अच्छे से फोल्ड कर देते हैं। यहाँ पर बहुत ही कम टाइम पर सुहाना रवा डोसा बनकर तैयार है, आप देख सकते हैं। आप इसे आलू मसाला की सूखी सब्जी या आप सांभर के साथ खाएं। ये बहुत ही झटपट बनने वाला रवा डोसा है, तो आप इसे ज़रूर बनाएं और बनाकर एंजॉय करें। आपको हमारी ये डिलीशियस सी रवा डोसा की रेसिपी कैसी लगी मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो को लाइक एंड शेयर करना आप ना भूलें।